नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट विकास में। आज हम बात करने जा रहे हैं IRFC के बारे में। IRFC से जुड़ी हुई तीन चीजों को हम इस वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। पहला चीज है वॉल्यूम, दूसरा चीज टेक्निकल, तीसरा चीज है न्यूज। ये तीनों चीजों को डिटेल में बताएंगे, तब इसमें ना आपको पता चलेगा 220 रुपए तक का टारगेट क्यों देखा जा रहा है रिसर्च एनालिसिस के द्वारा। तो एक चीज यह है कि आप ना लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। पहला चीज हम आते हैं वॉल्यूम को लेकर। तो वॉल्यूम में देख लीजिए साफ साफ जो है ना, यहाँ पे 5,383 क्वांटिटी और शेयर्स की ना बाइंग पोजीशन बनी है, जो कि कल के मार्केट में तो अपसाइड ले जाने का प्रयास करेगा। और 0.86 पे मार्केट परसेंटेज आकर अपसाइड क्लोजिंग हुई है। और डिलीवरी बेसिस की बात किया जाए तो 26.94 मतलब 27% का डिलीवरी बेसिस भी है। और एक न्यूज को पहले याद दिला देता हूँ आपको कि गवर्नमेंट की तरफ से साफ साफ कहा गया था, मतलब मोदी जी के द्वारा, कि जैसे ही हम इलेक्शन जीतते हैं उसके बाद में ना आपको एक तरह से ना नए नए और अभी कुछ दिन पहले ही अनाउंसमेंट किए थे जिनका जो संकल्प पत्र है उनमें बताया गया कि अभी नए नए बुलेट ट्रेन ना इंडिया में और भी लाए जाएंगे, जैसे कि 3 बुलेट ट्रेन का वो वादा कर रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखो। दूसरा चीज उनका कहना कि जैसे ही कि इलेक्शन जीतते हैं तुरंत रेलवे सेक्टर में एक बड़ा सा बूम देखने को मिलेगा। तो अभी रेलवे सेक्टर को बूम कोई देगा ना तो पहले IRFC देगा। अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जैसे RBI को कंटिन्यू ना ऑर्डर मिलता जा रहा है, ऑर्डर जो है तो उसको फाइनेंस कौन करता है? IRFC करता है। तो इसका भी एक शानदार रैली देखने के लिए मिलेगा हमको। अभी हम आते हैं ना वॉल्यूम की तो बात कर लिए, अभी न्यूज़ को बात करते हैं। तो न्यूज़ में ना एक रिसर्च एनालिस्ट है, उनका कहना है कि ये जो है ना IRFC शेयर से ना हमको अगले 6 महीने से 8 महीने के अंदर के बीच में ना 220 रुपये क्रॉस करते हुए देखने को मिलेगा, मगर एक लेवल पार करने के बाद में, इफ़ इट क्रॉसेस दिस लेवल। तो लेवल कौन सा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, इनका कहना है कि फ़रवरी 8 तारीख के बाद में ना कभी भी 160 का लेवल को इसने क्रॉस नहीं किया है। जैसे 160 का लेवल क्रॉस करता है तो इसमें ना एक शानदार रैली देखने को मिलेगा और बूम आएगा। और इसे एनालिस्ट का नाम मैं बता देता हूँ, मनीष जायसवाल है, बराबर ना। उनका कहना है कि जैसे 160 का लेवल वो कर मतलब ब्रेकआउट लेता है वहाँ से, तो 220 रुपये तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। अब हम आते हैं टेक्निकल्स को लेकर। टेक्निकल्स में भी आप देखिए 160 का जो लेवल है ना वो इस लेवल की बात कर रहे हैं, ये कैंडल का जो हाई है ये हमेशा एक रेजिस्टेंस बनने का प्रयास किया जा रहा है। ये जैसे ब्रेकआउट करेगा तो 220 रुपये तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। इनका 6 से 8 महीने का व्यू है। अभी हम अपना व्यू क्या रख सकते हैं, तो हमारा भी जो एक व्यू रहता है वो भी देखिए यहाँ पे देखिए 134 एक सपोर्ट एरिया है, जहाँ से ना एक रिवर्सल ट्रेंड देखने को मिला था। और मार्केट तो एक अच्छा खासा रेट से ना धीरे धीरे अपसाइड जा रहा था, एक तो वॉर की वजह से थोड़ा डाउन साइड आ गया, मगर ना अभी ये जो है ना एक मजबूत सपोर्ट एरिया है, यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेंड बनता है तो पहला टारगेट हमारा ये जो रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए 150 का रहेगा। जैसे ये निकलता है 160 जो रिसर्च एनालिस्ट का कहना, उसके बाद में ये जैसे ब्रेकआउट होता है तो 220 तक तो आराम से देखने को मिल सकता है। बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, चैनल पर बार आए तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।